हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम टीचर्स डे के लिए एक स्पेशल बॉटल बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं ये ट्रांसपेरेंट बॉटल यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर सबसे पहले हम बेस कोट के लिए वाइट कलर दे देंगे। वाइट कलर की जगह पे आप वाइट एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हो, वाइट चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हो। उसको स्पंज यूज़ करके हम पूरी बॉटल पे दे देंगे, फिर उसको हम अच्छे से ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद ये जो दो कलर्स है, ये दो शेड्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसमें से जो लाइट शेड है वो मैं पहले पूरी बॉटल को दे दूँगी, अगेन उसको थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी। फिर जो डार्कर शेड है उसको सिर्फ हमें ऊपर हल्के से डैप करना है इस तरह से, और उसको ब्लेंड करना है अच्छे से। ये वाला स्टेप आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, अगर आपको हार्ड जा रहा हो तो, क्योंकि मुझे एक थ्रू आउट ऐसा सेम कलर नहीं चाहिए था बैकग्राउंड के लिए, थोड़ा सा मिक्स करना था मुझे डार्क और लाइट शेड, इसलिए मैंने इस तरह से उसको मिक्स किया है। कुछ कुछ जगह पे ही मैंने उसको लगा के उस अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। इसके बाद आप पेंसिल ले लो, कोई भी पेंसिल ले लो। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि पेंसिल आप कौन सी यूज़ करते हो, तो बेसिकली जब आप चॉक पेंट यूज़ करते हो ना, तब उसके ऊपर आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे HB की पेंसिल आती है छोटी अप्सरा वाली, या फिर कोई भी पेंसिल, आप नॉर्मल पेंसिल, लिड पेंसिल, जो भी आपके पास है यूज़ कर सकते हो। लाइट यूज़ करना खाली, ज़्यादा डार्क यूज़ मत करना, क्योंकि उसको हम इरेज नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप जो भी इमेज आपको चाहिए वो पहले ड्रॉ कर लो। मैं यहाँ पे टीचर्स डे के लिए हम कुछ बना रहे हैं, तो मैं कुछ बुक्स ऐड कर रही हूँ, एक पेंट स्टैंड उसके ऊपर रख रही हूँ, ऐसे कुछ चीज़ें जो टीचर्स से रिलेटेड होती है वो हम ड्रॉ कर लेंगे पहले। इसके बाद उसको हम पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, नंबर 1 या 2, जो भी छोटा वाला ब्रश आपके पास है वो यूज़ करो। जितना डिटेल आपको करना है उस हिसाब से आप अपना ब्रश चूज़ कर सकते हो। ऐसे अलग अलग डिफरेंट कलर्स यूज़ करके मैं सारे बुक्स को कलर दे दूँगी। फिर आउटलाइन के लिए मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक एक्रेलिक या चॉक पेंट जो भी आपके पास है। यहाँ पे मैंने सारे चॉक पेंट्स यूज़ किए, बट नॉट नेसेसरी कि आपको भी वही यूज़ करने हैं। आप एक्रेलिक्स भी यूज़ कर सकते हो, जो 20 रुपीज़ की बॉटल्स आते हैं उसमें से ब्लू कलर यूज़ कर सकते हो। ब्लू में वाइट मिक्स कर दो और लाइट शेड बना के आप उसको अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर, और आउटलाइन सारी ब्लैक एक्रेलिक कलर से हो जाएगी। थोड़ी बहुत डिटेलिंग हम उसमें ऐड कर देंगे। इसका जो साइड का पोर्शन है, इसमें एक तो आप हैप्पी टीचर्स डे लिख सकते हो, या फिर सिर्फ इतना भी कर दिया तो भी अच्छा दिख रहा है वैसे।
तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर लिख भी सकते हो हैप्पी टीचर्स डे। तो मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है, बट आप पहले पेंसिल से लिख दो अच्छे से, और उसके बाद आप यही राउंड ब्रश यूज़ करके टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। बाय द वे गाइस, मैं सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें डिटेल एक्सप्लेन करूँ कि किस तरह से आप ग्लास बॉटल पे टेक्स्ट या फिर वर्ड्स ऐड कर सकते हो, या कौन से अलग अलग मेथड्स यूज़ करके आप इजीली कोई भी टेक्स्ट बॉटल पे लिख सकते हो। इस तरह का एक वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो ही मैं ये वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर, अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं लग रहे तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी उसके ऊपर। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये टेक्स्ट हो गया है हमारा हैप्पी टीचर्स डे। हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, एक छोटा सा हार्ट इसके साइड में ऐड कर देंगे। अब मैं रेड कलर लेके ऊपर के साइड में दो छोटे छोटे हार्ट्स बनाऊंगी। इसके जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे आप चाहे तो एक छोटा सा बो ऐड कर सकते हो, या फिर आप दो छोटे छोटे फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। बट वैसे भी ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मेरे ख्याल से ये अच्छी लग रही है ऐसे भी। और वार्निश आप यूज़ कर सकते हो फिनिशिंग के लिए, मैंने प्रेफर किया कि मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो फिनिशिंग है इसकी चॉक पेंट की वो बहुत अच्छी है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो मैट लुक आ रहा है वो बहुत सुंदर आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। इसमें हम अगर लाइट्स डालते हैं तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। लाइट्स डालने के बाद आप लाइट्स डाल के भी गिफ्ट कर सकते हो अपने टीचर्स को। सो गाइज, ये है हमारे आज के DIY का टीचर्स डे स्पेशल का फाइनल लुक। तो आपको ये आज का DIY कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।